बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी के इस समय सांसद भी हैं। मिथुन चक्रवर्ती का हाल ही में एक बयान आया, उस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसको लेकर बहुत से लोग नाराज भी हैं और बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती क्या इस तरीके की बात कर सकते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती ने इस तरीके की बात की है, लेकिन उनकी बातों में किसी को देना जवाब था और वो जवाब उन्होंने अपने इस अंदाज में दिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टीएमसी के एक नेता ने कुछ दिनों पहले हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 70% मुस्लिम हैं और 30% हिंदू हैं, हम हिंदुओं को काट कर भागीरथी में फिकवा देंगे। जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अब उस बात का जवाब दिया है। हालांकि इनके इस बयान के बाद सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, लेकिन मिथुन का यह बयान सिर्फ उसी नेता को जवाब देने के लिए दिया गया। लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, MIM के सांसद हैं, इन्होंने मिथुन दा पर क्या कुछ बोला है। दरअसल इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती पर नहीं बल्कि पूरी बीजेपी पर अपना निशाना साध दिया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और उसके बाद मोदी जी पर, फिर पूरी की पूरी बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि ये सभी के सभी हिंदू मुस्लिम की बात करके सियासी राजगद्दी अपने नाम करके रखना चाहते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि राजनीति में चाहे जो भी हो, वो सभी के सभी हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, वोट जीतते हैं। लेकिन ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी को दुख पहुंचाती है। बहरहाल मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान पर और उनके पहले दिए टीएमसी नेता के बयान पर आपकी क्या राय होगी, हम कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब